तो कल भी मैंने कहा था कि आपको केवल सपोर्ट पे देखिएगा, कॉल पे वर्क करना है, कॉल पे वर्क करना है, कॉल पे वर्क करना है। जिन लोगों ने कॉल पे वर्क करा, लॉस रिकवरी करी, टेलीग्राम चैनल पे अप ट्रेंड मैंने बता दिया था, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगर आप लॉस रिकवरी करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को। बड़ी अपडेट आ रही है बैंक निफ्टी के लिए, और ये बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि इस तरीके की अपडेट भी, इस तरीके की रिपोर्ट भी इंडिया के लिए बनाई जा सकती है। मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल रिपोर्ट है, और आपके साथ शेयर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मल्टीपल इवेंट हैं जो नीचे की तरफ मार्केट को सपोर्ट दे रहे हैं। यहाँ पर मल्टीपल इवेंट मैंने सैटरडे संडे को भी आपको बताए थे कि मल्टीपल ऐसे इवेंट हैं, मार्केट नीचे जाएगा ज़रूर, बट द थिंग इज़ आपको सपोर्ट पे फोकस करना है बाइंग पे। तो वही चीज देखिएगा आपको शॉर्ट कवर करते हुए देखने को मिले आज। और अगर आप देखेंगे प्रो प्लेयर्स, और उसके बाद आपको अच्छा मोमेंटम देखने को मिला निफ्टी में, और अच्छा मोमेंटम मिला आपको बैंक निफ्टी में। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बिजनेस टुडे और बहुत जगह पे द इकोनॉमिक टाइम्स, बहुत मल्टीपल देखिएगा, मल्टीपल जितने भी देखिएगा आर्टिकल्स हैं, आप जितने भी वेबसाइट्स हैं उन पे सब जगह ये इंफॉर्मेशन मिलेगी कि इंडिया की पर कैपिटल इनकम ग्रो हो सकती है 70% तक। 70% आप समझ रहे हो, मतलब ये एक तरीके का नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाली चीज़ है। बट स्टिल इंडिया को लेकर फॉरेन व्यू इतना ज़्यादा इस समय देखिएगा चेंज हो रहा है, मतलब जो 20-30 साल में 40 साल में नहीं हुआ। लाइक ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि इंडिया के लिए कभी ऐसी बातें बोली जाएं। बट द थिंग इज समय सबका आता है, समय आया है हमारा, और वही चीज़ आपको देखने को मिल रही हो, चाहे वो फेड हो, चाहे वो बाइडन सरकार हो, चाहे वो यूके हो, चाहे वो देखिएगा फ्रांस हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, कोई भी पर्टिकुलर कंट्री अगर आप उठा के देख लेंगे तो वहाँ पे केवल इंडिया की तारीफ आपको देखने को मिलेगी। और ये पर्टिकुलर आंकड़ा दिया है $4,000, अगर आज के USD से इसका कंपैरिजन किया जाए तो तकरीबन एक इंसान की इनकम 32,000 के आसपास देखिएगा आपको, सॉरी 3,20,000 के आसपास आपको देखने को मिल सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बात है। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो निर्मला सीतारमण जी ने भी देखिएगा जो इस बार नया टैक्स रूल आया था, इनकम टैक्स रूल आया था, उसमें काफ़ी हद तक देखिएगा मिडिल क्लास को राहत देने की कोशिश करी है, क्योंकि उन्हें पता है कि लोगों की इनकम बढ़ रही है, और लोगों की इनकम 2.5-3 लाख तक तो बहुत आराम से पहुंच रही है। तो अगर उसी समय हम टैक्स स्लैब में उन्हें ले आएंगे तो उन पे दोहरी मार पड़ जाएगी। तो इसलिए उन्होंने देखिएगा टैक्स स्लैब में काफ़ी बड़ी रियायत दी है। और अगर देखिएगा ये चीज़ जिस तरीके से रिपोर्ट आती है, तो मैं 70% तो बिल्कुल दूर की बात है, मैं उसका देखिएगा 40% भी मानता हूँ, तब भी अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी फिर आपको देखिएगा 80,000 के पार देखने को मिलेगा। क्योंकि आपको भी पता है जब किसी पर्टिकुलर देश में इनकम बढ़ती है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, कंजम्पशन बढ़ता है, सेविंग्स बढ़ती हैं, न्यू इन्वेस्टमेंट आते हैं, क्रिएटिविटी बढ़ती है, स्टार्टअप ओपन होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और उस कंट्री में तो खासकर जहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा यंगेस्ट पॉपुलेशन है। तो अगर आप देखेंगे द स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक रिपोर्ट हाइलाइट्स अ पॉसिबल अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री इन इंडियाज पर कैपिटल इनकम GDP ओवर द 3 ईयर्स। तो अगर आप देखेंगे ये बहुत कम समय में इन्होंने एस्टिमेट किया है, ये बहुत कम समय में ही बता रहे हैं कि रिफ्लेक्ट होने लगेगा, कि जो भी रिपोर्ट ये बना रहे हैं वो पूरी तरीके से देखिएगा जेन्युइन है, और इसके आउटकम ऑन द ग्राउंड भी एज इट इज आ सकते हैं जैसा कि हम रिपोर्ट बना रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इंडिया पर कैपिटल इनकम विल लाइकली ग्रो 70% 2030 तक से स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। उन्होंने कहा गुजरात एक्सपेक्टेड टू लीड इन पर कैपिटल इनकम बाय 230 व्हाइल लार्जेस्ट स्टेट लाइक यूपी बिहार में लैग बिलो 2000 पर कैपिटल इनकम। तो बड़े स्टेट जहां पे अभी पावर्टी ज़्यादा है, इलिटरेसी कम है, तो अगर आप देखेंगे तो ऐसे जगह भी $2,000 पर कैपिटल इनकम अगर एक्सपेक्ट की जा रही है तो ये अपने आप में बड़ी बात है। डेमोग्राफिक एडवांटेज ऑफ वर्किंग एज, पॉपुलेशन टू फ्यूल ग्रोथ, रिफॉर्म, स्टेबिलिटी, इंक्रीज पब्लिक कैपेस क्रूशियल फॉर सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ। आप देख सकते हैं इन रिसेंट रिसर्च रिपोर्ट स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक हैज सेड दैट इट इज प्रिडिक्ट इंडिया पर कैपिटल इनकम इज पॉज्ड टू एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट ग्रोथ सोरिंग बाई 70%। देखिए आप समझ सकते हैं, तो ये अपने आप में बात है। और रिसर्च इज एक्सपेक्टेड टू हेल्प द कंट्री टू अचीव
द स्टेटस ऑफ मिडिल इनकम इकॉनमी बोस्टिंग जीडीपी 6 trillion, नोटेबली ओवर हाफ ऑफ दिस जीडीपी विल बी फ्यूल्ड हाउस होल्ड कंजम्पशन. आपको पता है कंजम्पशन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट बैंकों के लिए अच्छा होता है, ये सभी जानते हैं. लेकिन ये रिपोर्ट आ जाइए तो रिफ्लेक्ट कल होगी, कल इसका इम्पैक्ट भी पड़ेगा. द सेकेंड मेजर ग्रोथ ड्राइवर आइडेंटिफाइड इन द रिपोर्ट इज हाउस होल्ड कंजम्पशन. इट इज फोरकास्टेड 3.4 trillion by fiscal year 2030, equivalent to the current size of the entire GDP. तो अगर आप देखेंगे current size जितना है उतना तो केवल हम लोग खर्च करेंगे अपने घरेलू खर्चे. तो आप समझ सकते हैं ये सारी अपडेट जितनी भी देखेगा ये रिपोर्ट बैंकों की तरफ, फॉरेन बैंकों की तरफ से आ रही हैं, वो सीधा सीधा बेनिफिट कर रही हैं किसको, बैंक निफ्टी को. तो कल बैंक निफ्टी इसके बेसिस पे देखेगा रिएक्शन दे सकता है, फोकस करिएगा. वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. थैंक यू सो मच.